आपको बता दें छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। इसी सिलसिले में AIICC के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पूनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान पूनिया आज शाम 4 बजे खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे और शाम 7 बजे वो उपचुनाव के प्रचार प्रसार की समीक्षा करेंगे। गुरुवार को सुबह 9 बजे खैरागढ़ उपचुनाव के संबंध में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं गुरुवार दोपहर 2 बजे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ कमेटी की आयोजित बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि खैरागढ़ में 12 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान होना है और नतीजे 16 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार प्रसार की समीक्षा करेंगे और लगातार हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। अमित, देखिए यहाँ पर उपचुनाव आने वाले हैं जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है और ऐसे में दौरे भी अब लगातार होंगे, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल आयुषी, जिस तरीके से PL पूनिया जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो 3 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं, मैं सुधार करना चाहूंगा कि यहाँ पर उनका कार्यक्रम का अवधि बढ़ा दी गई है। पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम था लेकिन अब 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। वह 30, 31 और 1 को छत्तीसगढ़ प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस तरीके से आज वह यहाँ पर ठीक 12:30 बजे पहुंचेंगे और 12:30 बजे पहुंचने के बाद राजीव भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर पहुंचकर प्रदेश के कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक लेंगे और इसके बाद 4 बजे के लगभग वह, जैसा कि आपने बताया, 4 बजे वह खैरागढ़ रवाना हो जाएंगे और खैरागढ़ पहुंचकर वहां पर जो वहां के प्रचार प्रसार है, खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार प्रसार की समीक्षा बैठक लेंगे वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ। और इसके बाद कल 31 तारीख को, जैसा कि 31 तारीख को यहां पर महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस चलाने वाली है, तो ऐसे में खैरागढ़ में प्रदेश प्रभारी PL पूनिया इस अभियान के तहत 11 बजे जो आयोजन किया गया है उसमें शामिल होते नजर आएंगे, उसमें शिरकत करते नजर आएंगे और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से वहां हल्ला बोलेगी और खैरागढ़ उपचुनाव में एक तरह से माहौल बनाया जाएगा कि केंद्र सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं। तो इस तरीके से PL पूनिया या वहां पर डटे रहेंगे और खैरागढ़ में पूरा 31 तारीख तक रहने के बाद वह 31 तारीख को वहां से रवाना हो जाएंगे और 1 तारीख को यहां पर राजीव भवन में एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस के साथ बैठक करेंगे। साथ ही जो वर्चुअल कार्यक्रम है किसान न्याय योजना का, तो उस किसान न्याय योजना में वर्चुअल तरीके से वह भी जोड़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि किसान न्याय योजना के तहत जिस तरीके से राशि खातों में अंतरण की जा रही है किसानों के, तो उस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे प्रदेश प्रभारी PL पूनिया। और इस तरीके से उनका 3 दिवसीय पूरा टाइट शेड्यूल वाला प्रोग्राम तय किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में जो सत्ता का सेमीफाइनल यानी खैरागढ़ का उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस को जीत हासिल हो सके। जी आयुषी, बिल्कुल। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।